ये बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हैं कहाँ? ये लोग तो यात्रा पर हैं, टूर पर हैं, कहाँ नौकरी बट रहा है? सुनिए, ये वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, वर्ल्ड इनके घुटना पर है मोदी जी के। आज अकेले रंगबाजी कर रहे हैं मोदी जी पूरे वर्ल्ड में। कहाँ बट रहा है, जाके गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए तो कितना बैनर लगा हुआ है। अभी तो मास्टर का महीना 2-3 महीना से नहीं दिए हैं और ये लोग मास्टर के बहाली कर रहे हैं। सैलरी दिए ही नहीं है, दिए ही नहीं है। तेजस्वी यादव बोले पहले 10 लाख देंगे, फिर नीतीश बाबू बोले कि हम 20 लाख देंगे और आप 2 लाख पर आ गए। इनको नौकरी का स्पेलिंग नहीं पता होगा सर्विस का, तेजस्वी को इन लोग क्या बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय पीने आते हैं। सवाल बस इतना कि तेजस्वी यादव ने तो नौकरी देना शुरू कर दिया है, साफ कह दिए हैं कि 2 लाख शिक्षकों का बहाली होगा। क्या लग रहा है, मिलेगा नौकरी पटना वासियों को, बिहार को? मैंने हद हो गया, तेजस्वी यादव बोले पहले 10 लाख देंगे, फिर नीतीश बाबू बोले कि हम 20 लाख देंगे और आप 2 लाख पर आ गए और अभी दे रहे हैं, शुरू हो गया कह रहे हैं। हाँ, मैंने तेजस्वी बोले पहले 10 लाख, नीतीश जी बोले 20 लाख हम देंगे नौकरी और अभी 2 लाख पर आ गए और 2 गो नौकरी का भी अभी पता नहीं है। 2 गो नौकरी नहीं है, कहाँ है? इधर ढकोसला है, ये सब खाली बरगलाना है जनता को, और कहा इन लोगों को रखा हुआ है। आपको भाजपा से ज्यादा प्यार है इसलिए बोल रहे हैं कि रियलिटी जानते हैं? भैया, हम जनता के नजदीक रहते हैं। हाँ। हम हमेशा मैंने रोडे पर रहते हैं, मार्केट में रहते क्या हैं। बोलता है रोड वाला आपको, जो आम जनता होता है? आम जनता ही के बीच में हम रहते हैं, तो उन्हीं का कहा हुआ हम कह रहे हैं। कोनो मेरा अपना हमको थोड़ी खाना खर्चे घटा हुआ है। उन लोग को जो बोले हैं कि 2 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे और आप 2 लाख पर आ गए, तो अभी कहना है कि 2 लाख शिक्षकों को देंगे और फिर बाकी देते रहेंगे। अरे, शिक्षक का तो एक रेगुलर प्रक्रिया है। हाँ। उस सरकार 1947 से दिए जा रहा है शिक्षक को। वो UPSC में भर्ती होता है, BPSC में भर्ती होता है, SSB में होता है, वो तो रेगुलर प्रक्रिया है। अब ये जो बोले थे कि हम 10 लाख अब 20 लाख देंगे, उसका क्या हुआ? क्या लग रहा है, जनता को उल्लू बनाया जा रहा है? टोटल बड़गलाना है ये, टोटल। इनको नौकरी का स्पेलिंग नहीं पता होगा सर्विस का, तेजस्वी को इन लोग क्या बोलेगा। इन लोगों को कुछ पता है, अपने बल पर जीते तब ना। एक तो पलटू राम के साथ आ गए और फिर वो अभी 20 लाख बोले तो फिर पलट के 2 लाख पर आ गए। देखिए, आप ही के सामने का बात है, मुख्यमंत्री जी हमारे देंगे पूरा, देंगे 20 लाख, लेकिन शुरुआत हो गया ऐसा कह रहे हैं। शुरुआत आपके हिसाब से? अरे, शुरुआत कहाँ हुआ है, कहाँ दिख रहा है नौकरी? हमको तो 2 गो नौकरी भी नहीं दिख रहा है। आप पर हम आएंगे, क्या 2 नौकरी भी नहीं है बिहार में? ये बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है कहाँ? ये लोग तो यात्रा पर है, टूर पर है, कहाँ नौकरी बट रहा है? नौकरी नहीं बट रहा है, कहाँ बट रहा है? जाके गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए तो कितना बैनर लगा हुआ है। तुम नौकरी कहाँ? हम लोग तो अभी तक रोज हम लोग अखबार पढ़ते हैं, कहाँ बहाली ये निकल रहा है, वो बहाली निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं, कहाँ निकल रहा है? कुछ नहीं। कहाँ कुछ नहीं, आपके हिसाब से एक भी नौकरी नहीं बिहार निकला? चूहिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो जनता के बीच में बैठते हैं, रोड पर बैठते हैं, जाके चलिए अभी गर्दनी बाग में। इन लोग का अपना वोट नहीं है नीतीश को, खाली ये इन लोग सोच रहा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण करके वोट लें और वोट बढ़ाएं, और होवे वाला नहीं है। चलिए, आप भी जनता के बीच में रहते होंगे, आपके हिसाब से ये दोनों जो बोल रहे हैं सही है गलत है, ये नौकरी है? कृपया, ये लोग जो दोनों बोले ये बहुत सही बोले, सही बोले, एकदम सही बोले। कहाँ पर है नौकरी, बोलने से होता है क्या? अभी तो मास्टर का महीना 2-3 महीना से नहीं दिए हैं और ये लोग मास्टर के बहाली कर देंगे। सैलरी दिए ही नहीं है अभी, दिए ही नहीं है, पता कर लीजिए। सैलरी मास्टर लोग को मिला ही नहीं है और नौकरी दे देंगे? नहीं, किसी भी हालत में ये लोग नौकरी नहीं देंगे, केवल जनता को बरगला रहे हैं। पूरा बिहार बदल देंगे, हम आ गए हैं, बिहार बदलने वाला है इनसे, ये पलटू चाचा से। 33 साल से ये लोग लालू यादव और नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और अति पिछड़ा का कल्याण कर दिए ना, चले थे अति पिछड़ा, पिछड़ा को कल्याण करने कर दिए ना, कल्याण हो ना। तो युवाओं को नौकरी मिलेगा आपके हिसाब से? नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। नीतीश कुमार से तो नौकरी मिलेगा ही नहीं, 18 साल हो गया अभी नहीं मिलेगा। 18 साल में दे दिए तो अब क्या देंगे? वो कहते हैं बेमिसाल रहा इतना साल। अरे, झूठा है, पलटू चाचा है, कभी इधर कभी उधर, अभी तो बिहार में रह भी नहीं रहे हैं। चलिए, आप बताइए कि आप भी जनता के बीच में रहते हैं, आपके भी बच्चे होंगे, बच्चे खुश हैं बिहार में, आपको भी बाहर भेजना पड़ा?
देखिए बिहार के बच्चे बाहर जाएंगे ही शिक्षा लेना है तो बिहार में ऐसी आपके एजुकेशन की कोई शिक्षा नहीं है, है जो हाई एजुकेशन लड़का होना चाहिए ना, लेकिन होना चाहिए तो बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री तो करेंगे नहीं, उनके बस की बाहर की चीज़ है। आप एक जमीन अधिकरण नहीं करा सकते हैं कोई कॉलेज खोलने के लिए, तो आप शिक्षा की कहाँ से सोच सकते हैं, तो बाहर ही जाना है। और अभी जो आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार हम 2000 नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, शुरुआत हो गई है, बोल रहे हैं कि शिक्षक तैयार रहें 2 लाख की नौकरी होगी। आज आप जिस पोर्टल पे काम कर रहे हैं, बेरोजगारी का नतीजा है कि 183 पोर्टल चैनल काम कर रही है, अपनी रोजगार खुद आप ढूंढ के निकाले हैं कि भाई मैं वीडियोग्राफी करूंगा, कुछ करूंगा तो मेरा रोजगार चलेगा। आप भी चाहते कि मेरे बिहार सरकार में नौकरी हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहते थे, हम यही बनना चाहते थे। ठीक है, आप बनना चाहते थे, क्यों मजबूरी थी आपकी? तो शुरुआत से यही, मैं डिग्री लेने ही गया था, मैं महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र जाना पड़ा था, लेकिन ये है यहाँ भी पत्रकारिता की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यही नहीं हुआ बिल्कुल। और अभी आप बोल रहे हैं कि हम दोनों साथ आकर सब कुछ बदल देंगे, लेकिन तेजस्वी जी ने ही बोले थे कुछ दिन पहले कि इससे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस देश का कोई नहीं है, शायद आपके चैनल पे भी चला होगा, क्यों बोले थे? और आपका कहना है कि पहले कुछ बोलते हैं फिर बाद में कुछ बोलते हैं, अभी कल लोग किसके साथ चला जाएगा गारंटी है नीतीश कुमार का? खुश है कि नहीं आप बिहार में? हम तो पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं, हमारे खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन युवा खुश नहीं, युवा तभी खुश होगा जब उसको नौकरी मिलेगा, और नौकरी की संभावना बहुत कम दिख रही है। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, ये दोनों मिल के चला रहे हैं, अच्छा या बेकार? पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं कहेंगे इसको, पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, पॉलिटिकल स्टंट है, केवल जात पात भाई भतीजाबाद में उलझा करके रखेंगे और कुछ करेंगे नहीं। सबसे अजीब क्या लगता है इन लोग का बात में, सबसे अजीब और झूठा बात क्या लगता है और सबसे सच्चा बात क्या लगता है? सच्चा तो लगता ही नहीं है, केवल झूठा बात ही लोग बोलते हैं। झूठा सबसे बड़ा, केवल झूठा, उसमें आप, उसमें आप झूठा में क्या निकालेगा, केवल जहाँ झूठ ही बोलते हैं लोग। आप भाजपा को ज्यादा मानते हैं क्या? भाजपा को ज्यादा का, भाजपा एक मोरलिस्ट पार्टी है, इसलिए भाजपा को समर्थन करते हैं। सबसे ये लोग कभी सच सच बोलता है कि नहीं बोलता आपके हिसाब से? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई सच नहीं बोलता है, कोई हो, चाहे कोई भी नेता हो, कुर्सी के लिए सब पलटू बदल देंगे अपनी पल्ला, अभी आज उनके साथ है कल उनके साथ है। ये सबसे बड़ा झूठ क्या है इनका? इनका झूठ यही है कि हम घोषणा कर देंगे लंबी लंबी 20 लाख नौकरी की घोषणा कर दिए गांधी मैदान से। इनका झूठ है कि घोषणावीर है, घोषणावीर। देखिए, इतना निकम्मा मुख्यमंत्री है, ये लैंडलॉक बोलता है, बोलते हैं कि लैंडलॉक है बिहार में, इसीलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, बिहार लैंड लॉक है, उत्तर प्रदेश भी लैंड लॉक है, वहाँ जोगी जी भी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया उत्तर प्रदेश में, 10 लाख। आज रहते हैं आप काफी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे, अरे इन लोग का नीति, इन लोग का चाल चलन से कौन, पूरा बिहार का जनता नाराज है, हम नाराज हैं तो क्या है? अभी नाराज रहते हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ ही लोग करने वाले नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं कि नहीं, एकदम झूठा बोलते हैं, खाली झूठ ही परोसते हैं। पिछला बार बोले हैं कि भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, भाजपा को झूठ बोलने से बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, सारा भाजपा झूठ, भाजपा सारा अगर झूठा पार्टी होता तो ये जो जो वादा किया भाजपा आज निभाया कि नहीं, राम मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म किया, और भी कितना एजेंडा पूरा किया, और देश में जो सुनिए, देश में इतने अद्भुत काम किए हैं मोदी जी जिसका अभी आकलन बिहार। मोदी जी अगर कुछ गलत करेंगे तो आप आवाज उठाएगा ना? अरे काहे नहीं उठा, मोदी जी गलत करेंगे ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। अगर गलत किए, अगर गलत किए तो आवाज उठाएंगे? अगर गलत किए, अगर गलत करेंगे तो आवाज तो उठा सकता है आदमी, लेकिन गलत करेंगे ही नहीं। सुनिए, ये वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, वर्ल्ड इनके घुटना पर है मोदी जी के, आज अकेले रंगबाजी कर रहे हैं मोदी जी पूरे वर्ल्ड में, ये जान लीजिए। देखिए, रात का समय है और जब हमने सवाल किया, साफ कह दिए कि देखिए मोदी जी जो हैं उनसे गलती कभी हो ही नहीं सकता। और क्या कुछ कहना था लोगों का जब हमने सवाल किया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे? काफी गर्म है दोनों पे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे, लोग जो कि भाजपा के बाहर अभी चाय पी रहे हैं और मोदी को ज्यादा मानते। क्या कुछ कहना था, क्या कुछ माहौल था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।